अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफए ऑनलाइन क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टुडे वी विल स्टार्ट द सेवन चैप्टर ऑफ दिस बुक, सो प्लीज टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन इट एट पेज नंबर 41। सो आवर चैप्टर नंबर सेवन इज द नेम ऑफ द चैप्टर सेवन इज द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, जानवरों की दुनिया। सो द फर्स्ट वन इज एनिमल्स वेरी इन साइज, जानवरों का साइज अलग अलग होता है। एनिमल्स बहुत बड़े हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, बहुत छोटे हो सकते हैं और बहुत ही ज्यादा छोटे हो सकते हैं। कुछ बड़े एनिमल्स की हम बात कर लेते हैं। हमारे कुछ बड़े एनिमल्स में आ जाता है ऑस्ट्रिच, एलिफेंट, वेल एंड जिराफ। कुछ बहुत ज्यादा बड़े एनिमल्स जो हैं वो है ऑस्ट्रिच, एलिफेंट, वेल एंड जिराफ। अब हम देखते हैं कुछ बड़े एनिमल्स। सो हमारे कुछ बड़े एनिमल्स क्या है? लायन, टाइगर, बियर एंड कंगारू। छोटे एनिमल्स में हमारा आ जाता है डॉग, फॉक्स, वॉल्फ, रैबिट, कैट, ये सब। हमारे स्मॉल एनिमल्स में आ जाता है रैट, कंगारू, मंगूस, बैट, ये सब कुछ। और हमारे टाइनी एनिमल्स में आ जाता है लाइक आंट, लेडी बग, फ्लाई, ये सब। नेक्स्ट इज मूवमेंट इन एनिमल्स। सारे एनिमल्स अलग अलग तरह से मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिश मूव करती है अपनी फिन्स और टेल्स की हेल्प से क्योंकि उसके पास लेग्स नहीं होती। अगला आता है स्नेक्स एंड अर्थवॉर्म, सांप और जो केचुए होते हैं उनकी भी अपनी टांगे नहीं होती इसलिए वो ग्राउंड पे रेंगते हैं। एनिमल्स जैसे ऑक्टोपस, स्कॉर्पियन, स्टारफिश और स्पाइडर, इनकी 8 टांगे होती हैं। एनिमल्स जैसे कैटरपिलर, स्क्विड, इनकी बहुत सारी टांगे होती है जिसकी वजह से ये एनिमल क्रॉल कर पाते हैं, रेंग पाते हैं। अब हमारे एनिमल्स आ जाते हैं लाइक जेब्रा, डॉग, एलिफेंट या टाइगर, इनकी 4 टांगे होती हैं। और हमारे कुछ कीड़े मकौड़े जैसे मच्छर, चींटी या हाउस फ्लाई, इन सबकी 6 टांगे होती हैं और इन इंसेक्ट्स के हमारे पंख भी होते हैं उड़ने के लिए। अब हमारी बर्ड्स की 2 टांगे होती है जिसकी वजह से ये एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक जा पाते हैं, चल पाती हैं ग्राउंड पर, और इनके पास पंख भी होते हैं उड़ने के लिए। हमारे कुछ एनिमल्स जैसे फ्रॉग्स, डक्स या पेंगुइन्स, इनके पैर चौड़े होते हैं जिसकी वजह से ये स्विम कर पाते हैं। एनिमल्स टेल्स हेल्प्स इन डिफरेंट वेज। एनिमल्स की टेल्स उन्हें अलग तरह से हेल्प करती हैं। बहुत सारे एनिमल्स की टेल्स होती हैं और ये अपनी टेल्स को अलग अलग पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे वाटर एनिमल्स जो पानी में रहते हैं जैसे फिश, वो अपनी टेल के फिन की वजह से अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं पानी में मूव करते वक्त। जो थिक टेल होती है, जिनकी मोटी टेल होती है जैसे कंगारू, वो उसकी हेल्प से अपना बैलेंस बनाए रखते हैं। इनकी लंबी और बुशी टेल, मतलब बालों वाली जो टेल होती है जैसे हमारी स्क्वायरल की होती है, ये हेल्प करती है इसको उसका बैलेंस बनाए रखने में जिस वक्त ये दौड़ रही होती है, कूद रही होती है। लाइक काउज एंड बफेलोज, इनकी पतली पूछ होती है और अपनी उस टेल की वजह से ये फ्लाई, जो इंसेक्ट्स होते हैं जो इनके चारों तरफ जो फ्लाईज होती हैं, जो उनके ऊपर उठ बैठने से उन्हें अपने आप को बचाते हैं। जो हमारे मंकीज होते हैं वो अपनी इस लंबी टेल की वजह से एक ब्रांच से, एक टहनी से दूसरी टहनी पे झूलते हैं या छलांग लगाते हैं। अब आता है फूड एनिमल्स ईट, कि कौन सा खाना हमारे एनिमल्स खाते हैं। एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते इसलिए वो अपने खाने के लिए दूसरी नेचुरल सराउंडिंग्स पे डिपेंडेंट होते हैं। ज्यादातर एनिमल्स ज्यादातर टाइम खाना ढूंढने में बिता देते हैं। इस बेसिस पे कि वो क्या खाते हैं, हम हमारे एनिमल्स को 4 डिवाइड्स में ग्रुप करते हैं, हार्बीवॉर्स, कार्निवॉर्स, ओमनीवॉर्स एंड स्कैवेंजर्स। सो पहला आता है हार्बीवॉर्स। ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उन्हें हम कहते हैं हार्बीवॉर्स। इनके स्पेशल टीथ होते हैं जिसकी मदद से ये बाइट करते हैं, काटते हैं या चबाते हैं प्लांट को। जी ग्रास खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, बीज खाते हैं, ग्रेन खाते हैं और नट्स खाते हैं। सो हमारे कुछ प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स हैं स्क्वायरल, जैसे वो नट खाती है, बैट्स फ्रूट खाता है, हेंस और पिजन हमारे सीड और ग्रेन्स खाते हैं, हमारे स्नेक्स या कैटरपिलर्स हमारी लीव्स खाते हैं। अब आते हैं हमारे कार्निवोर्स। हमारे लियोपर्ड्स, टाइगर, लायंस, ये सिर्फ और सिर्फ फ्लैश खाते हैं, गोश्त खाते हैं, इसलिए हमें कार्निवोर्स कहते हैं। इनके शार्प, नुकीले, पॉइंटेड फ्रंट आगे के दांत होते हैं जिसकी वजह से गोश्त को फाड़ पाते हैं। नेक्स्ट आर ओमनीवोर्स। ऐसे एनिमल जैसे फॉक्स और बियर, भालू और जो लोमड़ी जैसे हमारे जो जानवर होते हैं वो प्लांट और गोश्त दोनों चीजें खाते हैं इसलिए हम उन्हें ओमनीवोर्स कहते हैं। कुछ बर्ड्स जैसे कौवा और स्पैरो, मतलब कौवा और चिड़िया जैसे, ये भी ओमनीवोर्स होते हैं, ये गोश्त और फल सब्जियां दोनों चीजें खा लेते हैं। नेक्स्ट इज स्कैवेंजर्स।
हमारे कुछ एनिमल्स वल्चर और हाइनस जैसे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो मरे हुए और खराब जानवरों को खाते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं स्कैवेंजर्स। सो योर दिस चैप्टर एंड्स हियर, नाउ वी विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। एक्सरसाइज में आपका फर्स्ट है आपको नेम टू एनिमल्स दैट, आपको यहाँ पे दो दो एनिमल्स के नाम बताने हैं, जैसे फर्स्ट कैन फ्लाई, ऐसे दो एनिमल्स जो उड़ सकते हैं, तो हमने क्या लिखा, मॉस्किटोज एंड हाउस फ्लाई। सेकेंड कैन क्रॉल, जो रेंग सकते हैं, इसमें हमने क्या लिखा, कैटरपिलर एंड स्क्विड। थर्ड कैन वॉक, जो चल सकते हैं, तो कौन से चल सकते हैं, टाइगर एंड जेब्रा। कैन हॉप, जो इधर से उधर कूद सकते हैं, क्या पेड़ों की ब्रांचेस पे, इसमें आ गया स्पैरो एंड पिजन। थर्ड हैव विंग्स, इनके पंख होते हैं, तो इसमें कौन सा आ गया, स्पैरो एंड पिजन। थर्ड हैव फोर लेग्स, जिनकी सॉरी हैव विंग्स में आ गया आपका क्रो एंड पैरट। सिक्स आता हैव फोर लेग्स, जिनकी चार टांगे होती है, इसमें हमारा आ गया लायन एंड एलिफेंट। सेवन हैव सिक्स लेग्स, जिनकी छह टांगे होती है, इसमें आ गया एंट और हाउस फ्लाई। एट हैव एट लेग्स, जिनकी आठ टांगे होती है, इसमें आ गया ऑक्टोपस एंड स्कॉर्पियन। नाइन हैव मैनी लेग्स, जिनकी बहुत सारी टांगे होती है, इसमें आ गया स्क्विड एंड कैटरपिलर। टेंथ हैव वेब फीट, जिनके चौड़े पैर होते हैं, इसमें आ गया पेंगुइन्स एंड डक्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज, आपको इन सारे एनिमल्स को इनके साइज के अकॉर्डिंग लगाना है। स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट, आपको सबसे छोटे एनिमल से स्टार्ट करना है। सो आपके यहाँ पे एनिमल्स कौन से दे रखे हैं, मंकी, वेल, लेडी बर्ड, कंगारू, बटरफ्लाई। हमें पता है सबसे छोटी होती है लेडी बर्ड, लेडी बर्ड से बड़ी होती है बटरफ्लाई, फिर होता है मंकी, फिर कंगारू और फिर आती है हमारी वेल। सो हमने इसके अकॉर्डिंग इसे लिख दिया, लेडी बर्ड, बटरफ्लाई, मंकी, कंगारू, वेल। सबसे छोटी लेडी बर्ड, फिर बटरफ्लाई उससे बड़ी, फिर मंकी उससे बड़ा, फिर कंगारू उससे बड़ा और वेल हमारी सबसे बड़ी। नाउ वी विल मूव ऑन टू टिक द करेक्ट क्वेश्चंस। टिक द करेक्ट क्वेश्चन का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बर्ड हैव टू लेग्स विच हेल्प देम टू, बर्ड्स की दो टांगे होती है जिसकी वजह से वो क्या कर पाते हैं, पर्च ऑन ब्रांचेस ऑफ ट्री, फ्लाई, होप और वॉक ऑन द ग्राउंड। इसमें आएगा पर्च ऑन ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, वो पैर की टहनियों पे जा पाते हैं, होप और वॉक ऑन द ग्राउंड, जमीन पर चल पाते हैं या कूद पाते हैं, तो इसमें बर्ड्स अपनी दो टांगों की मदद से ये कर पाते हैं। नेक्स्ट इज अ मंकीज टेल्स हेल्प्स इट टू, मंकी अपनी टेल की मदद से क्या कर पाता है, स्विंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर कूद पाता है। थर्ड इज वॉटर एनिमल्स लाइक फिश यूज देयर टेल फिन टू, पानी में रहने वाले जानवर मछली की तरह जो होते हैं वो अपनी टेल फिन का मतलब अपनी पूंछ का इस्तेमाल करते हैं, किस लिए, चेंज डायरेक्शन व्हाइल मूविंग इन वाटर, पानी में मूव करते वक्त अपना डायरेक्शन चेंज करने के लिए। नाउ विल कम टू मैच द कॉलम्स, मैच द कॉलम्स में आपको बताना है कि हार्बिवोर, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, स्कैवेंजर्स क्या करते हैं, किस तरह का खाना खाते हैं और ये कौन से एनिमल्स होते हैं। फर्स्ट आता है हार्बिवोर्स, हार्बिवोर्स क्या होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं और प्लांट्स खाने वाले हमारे एनिमल कौन से हैं, गॉट एंड काउ। सेकेंड आता है कार्निवर्स, कार्निवर्स कौन से होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल फ्लैश खाते हैं, जानवरों का गोश्त खाते हैं और ये कौन से होते हैं, लायन एंड टाइगर। थर्ड आता है ओमनिवर्स, ओमनिवर्स कौन से होते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं, इसमें हमारा क्या आता है, फॉक्स एंड क्रो। थर्ड आता है हमारा स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर्स कौन होते हैं, जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं, डेड एनिमल्स को खाते हैं, इसमें हमारा आता है येना एंड वल्चर। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। सो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर मैं आपको इसके आंसर्स बता दूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर ओमनिवर्स, ओमनिवर्स क्या होते हैं। सेकेंड इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्निवर्स एंड हार्बिवर्स, कार्निवर्स और हार्बिवर्स में क्या डिफरेंस होता है। थर्ड इज डिफाइन स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर्स को परिभाषित करिए। फोर्थ इज व्हाट डज अ काउ डू विद इट्स टेल, एक गाय अपनी पूंछ से क्या करती है। ओके स्टूडेंट्स, सो आपका ये चैप्टर यहीं तक हमें करना था, मैं अभी आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स दिखा कर बता देती हूँ कि आपको क्वेश्चन आंसर्स में इसके आंसर्स कैसे लिखने हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट आर ओमनिवर्स, ओमनिवर्स क्या होते हैं, तो इसका आंसर है एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवर्स, ऐसे जानवर जो पेड़ पौधे और दूसरे जानवरों का गोश्त दोनों खाते हैं उन्हें हम कहते हैं ओमनिवर्स, इसका एग्जांपल है फॉक्स एंड बियर। सेकंड क्वेश्चन था
डिफरेंस बिटवीन कार्निवॉर्स एंड हार्बीवॉर्स, कार्निवॉर्स और हार्बीवॉर्स में अंतर बताइए। तो इसका आंसर है एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, ऐसे जानवर दूसरे जानवर का गोश्त खाते हैं उसे हम कहते हैं कार्निवॉर्स, एग्जाम्पल टाइगर एंड लायंस। हार्बीवॉर्स एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स, ऐसे जानवर जो प्लांट्स खाते हैं एग्जाम्पल स्क्वेरल्स एंड पिजन, उन्हें हम कहते हैं हार्बीवॉर्स। थर्ड क्वेश्चन था व्हाट आर स्कैवेंजर्स या डिफाइन स्कैवेंजर्स, तो इसका आंसर है एनिमल्स दैट ईट डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स, ऐसे जानवर जो मरे हुए और खराब जानवर को खाते हैं उन्हें हम कहते हैं स्कैवेंजर्स, एग्जाम्पल आ गया वल्चर। फोर्थ क्वेश्चन था व्हाट डज अ काउ डू विद इट्स टेल, गाय अपनी पूंछ के साथ क्या करती है, तो इसका आंसर है काउ काउ यूज देयर टेल टू फ्लाई अवे इंसेक्ट्स दैट सिट ऑन देम, काउ अपनी टेल की मदद से उन कीड़ों को अपने ऊपर बैठने से भगाती है, उन कीड़ों को भगाती है जो उनके ऊपर बैठते हैं। सो दीज आर दी क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेसन नंबर 7, दिस इज दी आंसर नंबर 1, दिस इज दी आंसर नंबर 2, दिस इज दी आंसर नंबर 3 एंड 4। मैं आपको इन क्वेश्चन आंसर्स का एक इसके साथ एक पिक्चर भी भेज दूंगी क्लिक करके, ताकि आपको वीडियोस में जब आप आंसर्स करें तो कोई प्रॉब्लम ना हो, वीडियो के साथ साथ आपको इन आंसर्स की एक फोटो भी क्लिक करके भेज दी जाएगी। यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क इन योर कॉपीज, सो प्लीज टेक आउट योर डायरीज एंड नोट डाउन योर डायरी, दिस इज योर होमवर्क, डू कम्प्लीट लेसन नंबर 7 इन योर कॉपीज, आपको लेसन नंबर 7 आपकी कॉपीज में कम्प्लीट करना है। एक और बात स्टूडेंट्स, आपको आपकी कॉपीज में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, बाकी सब कुछ सिर्फ आपकी बुक्स में होगा, आपको कॉपीज में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। ओके, सो प्लीज कम्प्लीट योर वर्क एंड वॉच दिस वीडियो केयरफुली, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।